कैसा है प्रवीण? बहुत दिनों बाद आया यार। आज तू घर पे छुट्टी मिल गई तेरे को ऑफिस से आज? ठीक हूँ भाई, एक नंबर हूँ मैं। मेरे को क्या होगा, आज जल्दी छुट्टी होगी ऑफिस से, तो सोचा तेरे से मिलते हो। चलो, वरना अपनी लाइफ तो चली रही है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस ऐसे ही चल रहा है अपना। हाँ भाई, सही बोल रहा है यार, मेरा भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऐसे ही चल रहा है मेरा भी। चल, अपन भी कैसे थे ना जब स्कूल में थे, तब ऐसा लगता था साला कब बड़े होंगे, सब टेंशन फ्री रहता, कुछ काम करना नहीं पड़ता। और जब बड़े हो गए तब ऐसा समझ में आ रहा कि साला वो बचपन के दिन ही अच्छे थे यार। मस्त स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, क्रिकेट खेलने जाओ, होमवर्क करो, फिर स्कूल जाओ, वही सही था। कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डांटने वाला नहीं। हाँ भाई, ये तो है भाई, अपना स्कूल लाइफ एक नंबर गया। और उससे एक नंबर था साला अपना क्लास टीचर। भाई तेको याद है अपना क्लास टीचर बुड्ढा हरामी साला धनंजय? क्या टीचर था भाई, सही में कोई भूलने वाली चीज है क्या वो क्लास टीचर साला अपना बुड्ढा धनंजय? कितना हरामी था भाई, मेरे को आज भी वो दिन याद है ना, जब अपना साइंस का पेपर था, सब लोग अपन चिटिंग लेके गए थे, सैटरडे का दिन था, सब चिटिंग लेके गए थे। साला क्लास में आया बोलता है जिस जिसने चीटिंग लाया निकाल के सब कर लो। भाई लिटरली सब ने चीटिंग निकाल और चीटिंग करने लग गए थे। साला हरामी गया, प्रिंसिपल को बुला के ला लिया। भाई मेरी ऑलमोस्ट गांड फट गई थी भाई, गया मैं अब आराम से, गया काम से भाई, खत्म। भाई तेरी तो गांड फटी थी, मैं तो मर गया था पूरा, क्या बताऊं। मैं तो सामने था, तीन चीटिंग लाया था भाई, बता रहा हूँ, तीन तीन प्रैक्टिकल लिख के लाया था, मैंने तीनों चीटिंग बनाई और खा गया भाई। ऑलमोस्ट बता रहा हूँ मैंने कैसे कैसे निकाला हूँ भाई, कसम से उसके बाद से मैंने कभी चीटिंग नहीं किया भाई, सही में चीटिंग करना छोड़ दिया मैंने। वो भी क्या सही था ना, मस्त अपन तीनों क्लास के एकदम लास्ट में बैठते थे, बेंच पे अपन तीनों ही बैठते थे। और झगड़ा किसके लिए था, कौन कौन टाइम बैठेगा, कौन दीवार के पीछे बैठेगा, सब बारी बारी, हर दिन वेडनेसडे को तू, मंडे को तू, थर्सडे को मैं, सिर्फ इसी के लिए झगड़ा होता था भाई। अब मस्त दिन थे यार, पर सही में आई मिस स्कूल डेज यार। अच्छा, तेरे को वो याद है कि अपनी इंग्लिश वाली मैडम और हिस्ट्री वाली मैडम जो अपने को इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाती थी, साटे मैडम भाई क्या दिखती थी यार, सही में ना। अपना बुड्ढा बहुत पसंद करता था उसको, अपना जो क्लास टीचर धनंजय बहुत पसंद करता था उसको, मस्त मैडम थी यार, मस्त पढ़ाती थी अपने को। पर भाई वो हिस्ट्री का पीरियड कैसे भूल सकता हूँ भाई, वो साटे मैडम, वो दिन कभी नहीं भूलूंगा भाई। मैं वो हिस्ट्री वाला पीरियड जब वो साटे मैम पढ़ा रही थी, सालो तुम दोनों हराम खोर सो गए बारी बारी, और जब मेरी बारी आई सोने की, साले उठाए नहीं मेरे को, इतना जम के पजाई यार मेरे को मैडम ने, अभी भी दिन याद है। और सबसे हंसी वाला दिन तो वो है भाई जब तू एकदम मस्त प्रेयर पे खड़े खड़े गिर गया था। हुआ क्या था भाई तेरे को उस दिन साले? हाँ मस्त साले, मस्त बहाना मारा था तूने। अबे साले बहाना नहीं मारा था भाई, लिटरली उस दिन चक्कर आ गया था मेरे को। अब मैं तेरे को बताता क्यों चक्कर आया था। उस दिन क्या हुआ था, अपन नया नया भाई देखना चालू किया था, उस दिन क्या हुआ था, मैंने सुबह से चार पांच बार हिला लिया था। अब साला पता नहीं था मेरे को कि ऐसा होता है करके, पर लिटरली सही में उस दिन अब मेरे को पता नहीं था भाई ऐसा होता है। अबे साले हरामी ये था क्या बे? क्या बे, बहुत बड़ा वाला है प्रवीण तू, सही में लिटरली मजाक नहीं भाई। पर सही में यार जो भी था जैसा भी था बहुत सही था भाई अपना स्कूल का दिन। इतने मुझे तो शायद ही अपनी बैच नहीं की होगी 10th क्लास वालों ने, बहुत भाई। वो कंचे कौन खेलता है भाई क्लास में, कंचे साला मतलब टाइल्स में गड्ढा कर दिया और अपन कंचे खेल रहे हैं। और इतनी बदकिस्मती अपनी कि वहां प्रिंसिपल आ गई। अबे आई तो आई वो सब ठीक था, पर पनिशमेंट कितना हार्ड दी उसने एकदम, मतलब ग्राउंड में सबके सामने तुम मुर्गा बनो। और भाई उस दिन 9th क्लास वालों का गेम पीरियड था भाई, सब लोग देख के हंस रहे थे भी अपने को, सही बता रहा, इतना बेकार लगा था ना मेरे को उस दिन। वो दिन भी कभी नहीं भूल सकता यार, सही में एकदम मेमोरेबल डे है वो। मतलब साला गेम पीरियड चल रहा है 9th वालों को और 10th क्लास वालों को, जो भी हाई क्लास है वहां की, हायर क्लास स्टैंडर्ड, अपन वहां पे पनिशमेंट मिली क्यों, हम लोग कंचे खेल रहे थे। पर जैसा था भाई स्कूल डे अपना बहुत एंजॉय किया, इतना तो साला कॉलेज में भी एंजॉय नहीं किया अपन ने। कंचे खेलना, क्रिकेट खेलना, गदगुदी खेलना, वो रुमाल का गदगुदी बना के, मतलब जब टीचर अब्सेंट है तो उसका गदगुदी खेलना, अंताक्षरी खेलना, पेन फाइट भाई, पेन फाइट साले, सर कोई अपने पेन के अंदर पत्थर भर के लाते थे। हाँ वो भूल नहीं सकते अपन वो पेन फाइट, मतलब टीचर अब्सेंट है तो साला दोनों बेंच को जोड़ो और पेन फाइट कर लो भाई। मेरा फेवरेट गेम था पेन फाइट, मैं हर समय अपने पेन के अंदर पत्थर भर के लाता था और भारी पेन लाता था मेरा भाई। पावर सही था यार अपना स्कूल लाइफ, बहुत सही था। हाँ भाई अपन ने इंजॉय तो बहुत किया यार स्कूल लाइफ में, मतलब अपनी एक एक ऐसी ऐसी मूवमेंट, ऐसी ऐसी मेमोरी जिसको अपन दोनों अभी भी याद करे तो हंसी आ रही है यार। मतलब उस टाइम अपन ने ये नहीं सोचे थे कि साला अपन मेमोरी क्रिएट कर रहे, जो अभी अपन दोनों याद करके हंसेंगे। यहाँ शुभम भी होना था भाई, बहुत मजा आता। पर
जैसा भी था यार, पर सही था, बहुत अच्छी लाइफ गई अपनी स्कूल लाइफ। ये बात तो है यार, अपन ने स्कूल में बहुत सारी मेमोरीज बनाई जो अपन कभी भूल नहीं सकते। हर बार अपन दोनों याद करके हंसेंगे। पर पता है साला, कब पता ही नहीं चला अपन कब छोटे से बड़े हो गए, बड़े से ऑफिस जाने लगे। और जब लिटरली अपन जब ऑफिस जा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, तब तो अपने को पैसे का महत्व तो समझ में आ रहा है भाई, कि किस तरह अपने पेरेंट्स ने अपने को पढ़ाया होगा, कितना स्ट्रगल किया होगा। सही में भाई। हाँ भाई, ये बात तूने एकदम सही बोली यार, बहुत सही बोली। आज के टाइम पे साला 100 100 रुपए कमा रहे हैं अपन, तो अपने को पता है कि अपन वो 100 रुपए 1000 रुपए कैसे कैसे डांट खा के कहाँ कहाँ क्या करके कमा रहे हैं। पर जब अपने टाइम पे अपने पेरेंट्स ने अपने को कैसे पढ़ाया भाई, वही जान सकते कितना स्ट्रगल किया उन लोगों ने। उस टाइम हम उनसे 10 रुपए मांगते थे तो हमारे पेरेंट्स हमको 100 रुपए देते थे, और वो 100 रुपए में हमको इतनी खुशी मिलती थी। पर हम ये नहीं जानते थे कि ये खुशी देने के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम जब खुद बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं, तब समझ में आ रहा है कि उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया होगा। सही में, सल्यूट है पेरेंट्स को। बहुत सही बोला कि अपने पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके अपने लोगों को पढ़ाया है। मेरे को आज भी वो दिन याद है जब मैं तुम लोगों को पार्टी देने के लिए पापा से 500 रुपये मांगता था अपने बर्थडे के दिन, तब मेरे पापा मेरे को खुशी खुशी 500 रुपये देते थे। बट आज जब मैं खुद कमाने लगा हूँ, खुद ऑफिस जाने लगा हूँ, तो 500 रुपये खर्च करने के लिए बहुत आगे पीछे मन होता है भाई। पर उस टाइम मेरे पापा ने मेरे को कितने खुशी खुशी 500 रुपये दिया था, जो भी वो कितने मेहनत से, कितने लगन से कमाते थे। बट आज सच में जब वो 500 रुपये मैं खर्च करने के लिए देखता हूँ, तो आगे पीछे सोचता हूँ भाई, किसी ने बहुत सही कहा है भाई, ये जो कहा है ना कि शौक तो सिर्फ माँ बाप के पैसों से होता है, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरत होती है। मम्मी का फोन आ रहा है। हाँ मम्मी। हाँ, बस ये चीकू के यहाँ तक निकल रहा हूँ। हाँ चल, पहुँच रहा हूँ 10 मिनट में। चल भाई, मम्मी का फोन आ गया था, बहुत टाइम भी हो गया है। चल मिलते हैं कभी अपन ना, शुभम तू और मैं मिलते हैं, ठीक है? चल भाई। हाँ चल, ठीक है ठीक है, निकल तू घर निकल, मिलते हैं अपन, है ना? तीनों बैठते हैं, बातें करते हैं फिर आराम से, ठीक है? चल जा, आराम से जा, टाइम भी बहुत हो गया, ठीक है? चल बाय।